मैं एडवोकेट किशन भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से 31 जनवरी 2024 से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। चूंकि लोकसभा इलेक्शन अप्रैल 2024 में होने की संभावना है, इसीलिए 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया जाएगा वह अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट इसीलिए कि जो 31 मार्च समाप्त होता है वो इलेक्शन के पीरियड तक के जो एक अवधि होती है उसके लिए एक हमें लेखा जोखा का हिसाब किताब बनाना रहता है। अब सवाल उठता है कि बजट में फिर क्या चीजें पेश होगी। वैसे तो टैक्स सेशन में, टैक्स मैटर में बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें इनॉल करनी है, कुछ निकालनी है, पूरा ऐसा एक सिस्टम बनाना है। परंतु चूंकि बजट क्षेत्र एक अंतरिम बजट है, इसलिए ये चीजें हम करना हमें उचित नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि बजट में ऐसी चीजें अभी सम्मिलित करना चाहिए जो जैसे सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो ऐसी चीजें हैं जिसमें एक गरीब जनता को उसमें फायदा हो, या ऐसी चीजें हैं जिनकी जो गरीबों के जो फायदेमंद चीजें हैं उनकी डेट 31 तारीख को समाप्त हो रही है, उन चीजों को एक्सपेंशन करना है, या ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक जनहित के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े अभी चल रहे हैं उनको रेगुलर करना है, ये सब चीजें बजट में शामिल करना मेरे हिसाब से जरूरी है। और बाकी की जो चीजें होगी जो नई सरकार आने के बाद, वो फिर से टैक्स सिस्टम को एक अच्छे से बनाना है, जो मेरे ख्याल से जुलाई 2024 में एक बजट सत्र होगा और बजट उसमें पूरा पेश किया जाएगा। उसमें हम फिर बात करेंगे कि क्या चीजें हमें जनहित में उस बजट में सम्मिलित करना चाहिए। नमस्ते।